साडा पंजाब में आपका स्वागत है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्रालय बदले जाने के बाद से सिद्धू पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मंत्रालय में फेरबदल के एक महीने बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यभार नहीं संभाला है। वहीं सिद्धू के पद नहीं संभालने को लेकर विपक्ष पार्टियों के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू को लेकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुंग ने सिद्धू को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखकर सिद्धू के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तरुण चुंग ने सिद्धू पर आरोप लगाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकारी आवास, सुरक्षा और सभी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना मंत्रालय नहीं संभाला है, जिस वजह से पंजाब के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है, जिसके चलते अब तमाम तरीके के जो निशाने हैं वो सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर साध रही है, और तरुण चुंग का भी इसी को लेकर बयान आया है। तो आपको बता दें कि एक महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन सिद्धू ने अपना अभी तक अपना पद नहीं संभाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जजबीर जुड़ चुके हैं। जजबीर, जिस तरीके से तरुण चुंग ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बोला है कि जनता के साथ बेहद धोखा हुआ है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना पदाधिकार नहीं संभाला है और बाकी जो सरकारी चीजें उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही विवादों में रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी से नाराज है, कांग्रेस पार्टी इनसे नाराज है, लेकिन इसकी नाराजगी जो है अब राज्यपाल तक पहुंच गई है और विरोधी धड़े जो है वो भी नवजोत सिंह सिद्धू पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक महीने से लगातार ना तो किसी मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, ना किसी भी पार्टी के साथ में किसी तरह का कोई तालमेल इनका जो है वो है, और पार्टी लगातार इनको प्रेशर कर रही थी। सिद्धू जो है वो अपना पद जो है ऊर्जा जो मंत्रालय इनको दिया गया है वो संभाले, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अपना पद भी नहीं संभाले और पार्टी से किसी तरह से इनकी जो बातचीत है वो भी नहीं हो रही, और पार्टी नाराज है इस चीज़ को लेकर कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो नया पद दिया गया है वो उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अभी विरोधी जो धड़ा है वो भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि किसानों की अगर बात करें किसानों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिजली मंत्रालय पे ऊपर अगर एक जो मेन उनका जो है मंत्री है अगर वही सीट पर नहीं बैठेगा तो वो बाकी के कामकाज है वो कौन देखेगा, और इस मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद जो है इनका जो मंत्रालय है वो देख रहे हैं, हालांकि उनको अपने भी काम रहते हैं लेकिन इनका मंत्रालय भी अभी वही देख रहे हैं। इस चीज़ को लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी सीरियस है, उन्होंने काफ़ी बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अभी समझने के मूड में नहीं है, और हालांकि इन्होंने मीडिया से किसी तरह की भी बात जो है अभी तक नहीं की, और अभी भी कुछ दिन पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो माता के दरबार में गए हुए हैं और अभी तक वहाँ से वापिस नहीं आए और वहाँ से लाइव जो है वो पेश कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो परेशान है पार्टी के अंदरूनी बातों को लेकर, लेकिन ये जो मसला कला क्लेश है कांग्रेस पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू की ये अभी तक थमने का नाम नहीं रह रही, लेकिन इसको लेकर जो किसान है उनको काफी दिक्कत हो रही है। इसी चीज को लेकर आज उन्होंने जो है राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पूरा अमला जो है वो उनके ऊपर चल रहा है, पूरा सैलरी भी ले रहे हैं, गाड़ी भी उनके पास है, ऑफिस भी वो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा उनको दिया गया है और घर भी वो जो है उनको दिया गया वो भी यूज कर रहे हैं, हालांकि वो अपना काम जो है वो नहीं कर पा रहे। जी दीपशिका जी, जजबीर, जिसे पूरी जनता वोट देकर इस पद पर बिठाती है, ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है, लेकिन वो अपना कार्य का निर्वाह ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को और किसानों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। फिलहाल जजबीर, इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।